दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम में धोनी की फिर से वापसी हो जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बीसीसीआई ने धोनी को तुरंत भारत का कोच बनाकर एक ऐसी खतरनाक बी टीम का ऐलान किया है जो भारतीय क्रिकेट टीम को अगला T20 वर्ल्ड कप तो जिताएगी ही, साथ ही न्यूजीलैंड के भी परखच्चे उड़ा के रख देगी। इस टीम में किसे शामिल किया गया है, किसे कप्तान बनाया गया है और धोनी का क्या रोल रहेगा, क्यों धोनी को बीसीसीआई ने फिर से वापस बुला लिया, आपको सब कुछ दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, धोनी, रोहित और कोहली में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2022 तो 2021 के वर्ल्ड कप से भी बदतर रहा। उसमें तो दोस्तों हम फिर भी पाकिस्तान से एक मैच हारे थे, लेकिन इस बार तो इंग्लैंड की टीम से कुछ ऐसे हारे हैं कि दोस्तों इस हार को कई सालों तक नहीं भुलाया जाएगा। पाकिस्तान की टीम को हराकर इस बार के वर्ल्ड कप में हम बेहद ही खुश थे। ऊपर से भारतीय क्रिकेट टीम का दबदबा पूरे ग्रुप में कायम था, जिसके दम पर वो सेमीफाइनल में भी पहुंची। दोस्तों सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय क्रिकेट टीम जब इंग्लैंड के सामने पेश हुई तो लक्ष्य कोई छोटा तो नहीं बनाया था, 169 रन का टारगेट दिया। हालांकि इससे बेहतर लक्ष्य बन सकता था, लेकिन ये खिलाड़ियों की खराब बल्लेबाजी थी जिससे भारतीय क्रिकेट टीम को नीचा देखना पड़ा। उसके बाद दोस्तों जब गेंदबाजी में दमखम दिखाने की बात आई तो यही भारतीय क्रिकेट टीम ढीली पड़ गई और दोस्तों हमारे गेंदबाजों ने कुछ ऐसे रन लुटाए कि मानो ये कोई प्रैक्टिस या वार्म अप मैच चल रहा हो। 2 ओवर में 30 रन अश्विन ने दिए तो वहीं दोस्तों सबसे ज्यादा रन लुटाने में आगे रहे मोहम्मद शमी, 3 ओवर में 40 रन। गेंदबाजों की खस्ता हालत तो देखिए दोस्तों कि भारतीय क्रिकेट टीम 6 ओवर में 70 रन लुटा चुकी थी। ऐसा पावर प्ले किस्मत वालों को मिलता है और उस दिन भारतीय टीम ने थाली में परोसकर इंग्लैंड को दिया। दोस्तों एक विकेट तक हम नहीं ले पाए और मैच को इतनी बुरी तरीके से 10 विकेट के अंतर से हारे कि भारतीय टीम के चेहरे पर काली सी पुत गई है। लेकिन दोस्तों अब बीसीसीआई भी कड़े फैसले ले रहा है और ऐसी टीम का ऐलान कर दिया है जो परखच्चे उड़ा के रख देगी विरोधियों के। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें, बीसीसीआई ने उस बी टीम का ऐलान किया है जिससे भारतीय क्रिकेट टीम में बड़े बदलाव होंगे। पांड्या को कप्तान बनाया गया है, साथ ही दिग्गजों को वापसी कराई गई है। आखिरकार किसे मिली है जगह और धोनी को क्यों कोच बनाया जा रहा है, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों बीसीसीआई ने इस भारतीय क्रिकेट टीम में उन्हें जगह दी है जिन्हें हमेशा भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर रखा गया। भारतीय क्रिकेट टीम की सलामी जोड़ी को संभालने के लिए दोस्तों आखिरकार चुन लिया गया है ईशान किशन को और ईशान किशन के जोड़ीदार बनेंगे शुभमन गिल। दोनों खिलाड़ियों की काबिलियत क्या है ये हम IPL में अच्छे से देख चुके हैं, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर और कई घरेलू टूर्नामेंट में भी इन खिलाड़ियों का नाम खूब गूंजा है पिछले कुछ वक्त में। ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम की नई सलामी जोड़ी का जिम्मा इनके ही हाथ में रहेगा और इस बात में कोई शक नहीं कि दोस्तों ये दोनों मिलकर KL राहुल से तो बेहद ही बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों टीम के मिडिल ऑर्डर को संभालने के लिए सूर्य कुमार यादव तो रहेंगे, लेकिन उनका साथ देने के लिए अब आ जाएंगे श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन और खुद कप्तान हार्दिक पांड्या। दोस्तों सूर्य कुमार यादव भले ही सेमीफाइनल में नहीं चल पाए, लेकिन उनकी फॉर्म लाजवाब थी और श्रेयस अय्यर व संजू सैमसन दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमेशा घरेलू टूर्नामेंट्स में एक्टिव रहते हैं लेकिन उन्हें मौके नहीं मिलते। परंतु अब बीसीसीआई ने यह बदलाव भी ठीक कर दिया है और पांड्या तो मिडिल ऑर्डर का जिम्मा संभालेंगे ही। दोस्तों दीपक हुड्डा को खिलाने का परिणाम हमने देखा था, लेकिन एक ऐसा भी युवा ऑलराउंडर है जिसे मौके दिए गए अंतर्राष्ट्रीय कई जगहों पर है तो उसने बहुत अच्छा किया। हम बात कर रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर की, जो कि भारत के नए युवा पीढ़ी के ऑलराउंडर हैं और यही भारतीय क्रिकेट टीम का ऑलराउंडिंग डिपार्टमेंट भी संभालेंगे। तो वही दोस्तों स्पिन गेंदबाजी का जिम्मा उसके हाथ में रहेगा जिसे पूरे टूर्नामेंट में नकारा गया, युजवेंद्र चहल, जिनकी गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया में कितनी कारगर है कि वहां पर तो ऑस्ट्रेलियंस भी उनको उनकी तारीफ कर रहे थे, उनको याद कर रहे थे। लेकिन रोहित ने उन्हें तो मौका देना जरूरी नहीं समझा, परंतु अब बीसीसीआई ने उन्हें स्पिन गेंदबाजी का डिपार्टमेंट संभालने का जिम्मा जरूर से दिया है। तो वही दोस्तों तेज गेंदबाजी की बात करी जाए तो अर्शदीप सिंह के साथ साथ उमरान मलिक की रफ्तार और हर्षल पटेल की स्विंग गेंदबाजी भी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कहर बरपाएगी। दोस्तों अर्शदीप ने पूरे टूर्नामेंट में काफी अच्छी गेंदबाजी करी, उमरान की रफ्तार से कौन वाकिफ नहीं है और हर्षल पटेल ने भी हाल फिलहाल में भविष्य से भी बेहतर परफॉर्मेंस दिया था। ऐसे में यही तिगड़ी अब तेज गेंदबाजी के जिम्मे को अपने कंधों पर लेगी और सबसे बड़ा बदलाव जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा है वो ये कि महेंद्र सिंह धोनी को किसी भी वक्त भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच डिक्लेयर किया जा सकता है। दोस्तों धोनी के एक प्रेजेंस से कोई भी मामूली टीम कितनी ताकतवर हो सकती है हम जानते हैं। बीसीसीआई का ये फैसला वाकई में भारतीय टीम को बदल कर रख देगा।
लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या धोनी को वाकई में भारतीय क्रिकेट टीम का कोच बनाना चाहिए, उन्हें यह जिम्मेदारी देनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। रवि सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।